मदीने दे बाहर ने कि वडेरी जी माई सी अखां तो नबीनी। हजरत उमर फारूक फरमांदे ने मैनूं एक दिन ख्याल आया हजरत अबू बकर सिद्दीक दे दौरे खिलाफत के ओ माई वडेरी है ते नबीनी है पता नहीं उहदे घर दे कम कौन करदा होवेगा ते मैं जाके कम ना करावां। आप फरमांदे ने मैं ना एक दिन गया सुबह सुबह ते जाके मैं माई दे कम ना करके आवां। फरमांदे ने गया ते वेख्या ते माई दे सारे कम होए ने। हजरत उमर फारूक फरमांदे ने मैं सोचा कि अगले दिन थोड़ा जरा जल्दी जावां उहदे आवण तो पहले पहले मैं माई दे काम करां, मैं सवाब मैं लवां। उस सवाब कमाना चाहते सन ना नबी पाक ने भी कदे कदे कोई जल्दी काम कर लेना ते साहबा ने अर्ज करनी यार सुन ला सानू हुक्म कर दे सी कर देंदे। हजूर ने फरमाया तुहाडा बहुता सवाब लैण नूं दिल करदा मैं मुहम्मद दा नहीं करदा। आप फरमाते ने कि मैं बड़ा हैरान होया कि एक कौन माई दे कम कर जांदा। आप फरमाते ने एक दिन मैं छुप के देखया ते माई दे कम करन वास्ते कोई आम बंदा नहीं आ रहा, वक्त दा खलीफा मुहम्मद अरबी दी अखां दा तारा हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहा है। ते आपने सारे माई दे घर दे कम कीते ते चले गए, वक्त दा खलीफा हजरत उमर फारूक फरमाते ने जो हजरत सिद्दीक अकबर का इंतकाल होया तो मैं याद सी कि माई मदीने के बाहर कली रहती है। आप फरमाते ने मैं माई दे जाके ना ते घर दे काम करन गया कि हुण मैं अबू बकर सिद्दीक की सुन्नत पूरी करके आवां। आप गए ना ते घर दा काम कीता ना ते जो टुरन लगे ना ते माई ने जांदे जांदे पुछया वे पुत्र वो जिहड़ा अगे आउंदा सी अज वो क्यों नहीं आया। आख्या अम्मा जी तुहानूं किवें पता लगा कि वो नहीं आया अज मैं आया। माई कहती अज ते उंज फर्क बड़ा सी। पुत्र तू कौन है। आपने फरमाया मां जी मेरा नाम उमर फारूक है। माई रोन लग पई। आपने फरमाया माई जी रोए क्यों हो। फरमाया तू पहले दिन ही ना दस दिता हो इन्ने साल आया मैं ना पुछदी रही उन्हें दसिया ही नहीं। मैं इन्ने साल ओदा ना पुछदी रही उन्हें ते मैनूं ना भी नहीं दसिया। वाह अबू बकर तेरी अज़मत सदके।